मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन सिविक्स क्लास। सो टुडे लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, सोशल जस्टिस, पेज नंबर 279। सो व्हाट इज़ जस्टिस? जस्टिस क्या होता है? द वर्ड जस्टिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जस्ट मीनिंग टू टाई नॉट। जस्टिस इज़ देयरफॉर अ सोशल कंडीशन विच बाइंड्स वन मैन टू अनदर। This is a very difficult social proposition. That means tit for tat. Sometimes justice has been explained as tit for tat. Justice means, आप सबको पता होगा, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। जस्ट मीन्स टाई नॉट, मीन्स कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कोई भी गलत ना करे, उसके साथ जस्टिस हो। और इन अदर लैंग्वेज वी कैन से tit for tat. There are some scholars also who gave different opinions and definitions on justice. Justice protects the right of an individual as well as the order of the society. ये definition किसने दी थी? डी डी रफेल ने। And there are some other thinkers and followers who gave different definitions for justice. Equal treatment for equals. The very first principle of justice is to treat equals equally. Means कि सबको हमें equally treat करना चाहिए, किसी भी तरीके का discrimination और disparity नहीं रखनी चाहिए। It is considered that all individuals share certain characteristics as human being, thus they deserve equal rights and equal treatment. हर एक citizens equal right और equal treatment deserve करता है। Proportionate justice means, proportionate means amount, degree or size of anything. So proportionate justice क्या होता है? There may be circumstances in which we might feel that the treating everybody equally would be unjust. कई बार ऐसी circumstances और situations आती है जिसमें हर एक person को equally treat करना unjustice होगा for the others. Like अगर कोई क्रिमिनल है, उसको किसी क्राइम की पनिशमेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अदर्स को भी उसके बेसिस पे पनिश कर सकते हैं। इट वुड बी अनफेयर एंड जस्ट टू रिवॉर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डिफरेंटली इफ टेक इनटू अनदर फैक्टर्स सच एज टू एफर्ट रिक्वायर्ड, द स्किल रिक्वायर्ड, द पॉसिबल डेंजर्स इन्वॉल्व इन दैट वर्क एंड सो ऑन। If we use these criteria, we may find that certain sections of our society of certain kinds, workers are not paid worker wages, which takes such factors into account. कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कई बार ऐसा होता है जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको उनकी एबिलिटी से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। और कई बार ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिल पाता है। सो दिस इज़ नोन एज प्रोपोर्शनेट जस्टिस। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स। द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच वी रिकॉग्नाइज इज फॉर द सोसाइटी टू टेक इनटू स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स। कई बार ऐसा होता है, थर्ड प्रिंसिपल हमारा जस्टिस का क्या है कि हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं रिवॉर्ड्स, लाइक फिजिकल डिसेबिलिटीज, एज और लैक ऑफ एक्सेस टू इक्वालिटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड ग्राउंड्स फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, लाइक जो फिजिकल डिसेबल लोग हैं, एज के लिए, या फिर प्रॉपर हेल्थ और अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है पुअर लोगों को। दीज आर द स्पेशल ग्राउंड्स जिसकी वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट कई बार चाहिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड कोटास फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट। नेक्स्ट इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्न्स द नेचर ऑफ अ सोशली जस्ट एलोकेशन। एलोकेशन मीन्स शेयर ऑफ समथिंग ऑफ अ गुड इन अ सोसाइटी। अ सोसाइटी इन विच इंसिडेंटल इनइक्वालिटीज और आउटकम डू नॉट रेज अराइज वुड बी अवेलेबल क्वालिटीज ऑफ गुड, द प्रोसेस ऑफ विच गुड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर एंड द रिजल्टिंग एलोकेशन ऑफ द गुड्स और टू द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी।
In social psychology, just distribution is defined as preserved fairness of how rewards and costs are shared by distributed across group members. For example, when workers of the same job are paid different salaries, group members may feel that distribution justice has not considered. Next is John Rawls' theory on justice. Then एक thinker थे John Rawls, उनकी भी कुछ theory थी justice की. A theory of justice is the work of a political philosopher and ethics by John Rawls. ये उनका एक work था जिसमें theory of justice उन्होंने इसको define किया गया था. The first principle of justice. So according to this theory, first principle justice का क्या होना चाहिए? First, each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liability for others. The basic liabilities of citizens are the political liability to vote, run for office, freedom of speech, assembly, etc. Okay? So this is the first principle. Second principle kya tha? According to that theory, social and economic inequality are to be arranged so that they are to be of the greatest benefit of the least advantaged member of society, consistent with the just saving principle. And second, offices and positions must be open to everyone under conditions of fair equality and opportunities. So जो सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ होती हैं हमारी सोसाइटी में या फिर एजुकेशन सेक्टर में और जॉब सेक्टर में, वहाँ पे फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रीली फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए जिससे जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको चांस मिले. Development of the concept of justice. Justice was an important subject of Eastern and Western philosophy. Its nature is discussed below. Justice in Indian political thought. In ancient Indian thought, justice have been given the importance of spiritual thought. Indian जो justice था वहाँ पर justice को spiritual thought की तरह माना गया था. जितना spiritual thought important होता उतना ही जस्टिस को भी माना गया है. द स्पेशलिटी ऑफ एंशियंट इंडियन थॉट इज़ दैट जस्टिस वॉज ट्रीटेड एज एन इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट. जस्टिस को हमेशा इम्पॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट माना गया है इन एंशियंट इंडियंस. सेकेंड, जस्टिस इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स. जस्टिस को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में कैसे माना गया? इन एंशियंट ग्रीस बिफोर प्लूटो. सो एंशियंट ग्रीस में या वेस्टर्न जो कल्चर था उसमें थ्री व्यूज़ ऑन जस्टिस, तीन तरीके के व्यूज़ थे. ट्रेडिशनल व्यू, एक्सट्रीमिस्ट व्यू एंड इम्प्रीमिस्ट व्यू. ट्रेडिशनल थ्योरी क्या थी? ट्रेडिशनल थ्योरी वॉज कॉइंड बाय सेल्फास एंड पॉलीमेकस. दे सेड दैट व्हेन अ पर्सन प्लेज हिज डेप्थ, ट्रीट द एनिमी एज एनिमी एंड फ्रेंड एज फ्रेंड, ही इज़ फॉलोइंग जस्टिस. जब कोई पर्सन अपने जो भी डेप्थ है उसको फुलफिल कर रहा हो, पूरा कर रहा हो, अपने एनिमी को एनिमी की तरह ट्रीट कर रहा हो, फ्रेंड को फ्रेंड की तरह, तो उसको हम जस्टिस बोलेंगे. एक्सट्रीमिस्ट व्यू क्या था? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय ट्राइमेकस. अकॉर्डिंग टू हिम, जस्टिस इज सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग. जस्टिस मीन्स कंडक्ट इन इनफॉर्मेलिटी टू लॉ. पावरफुल पीपल होल्डिंग द रूलिंग पावर make law for promoting their own interest and so the law does good for the powerful. उनका ये मानना था. extremist view क्या था? कि जो powerful लोग हैं उनको अपने according work करना चाहिए. जो authority है वो सारी powerful लोगों के पास होनी चाहिए और वो अपने interest के according या अपने interest को और promote करने के लिए law को use कर सकते हैं. ये extremist view था. Imprimist thinkers क्या कहते थे? Says that justice aim at protecting the interest of the weak. Justice का मतलब क्या है? जो interest है weak का या जो opportunity है या फिर जो चीज़ें हैं जो weak person को या weak section of the society को मिलनी चाहिए उनको
उनके लिए जस्टिस उनके फेवर में होना चाहिए या जस्टिस उनको जो उनके राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज परसुइंग सोशल जस्टिस. नेक्स्ट इज परसुइंग सोशल जस्टिस. परसुइंग मीन्स कैसे हम ट्राई कर सकते हैं किसी चीज़ को अचीव करने में. द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट टाइम्स. ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल जस्टिस का, ये बहुत पहले के टाइम से बना है. सोशल जस्टिस मीन्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन सोशल ग्राउंड. सोशल जस्टिस का मतलब कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सिटीजन्स के अगेंस्ट में ऑन सोशल ग्राउंड. उनको हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए. वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल हैव बीन डिवाइज्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एंड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द WHO. सो सोसाइटी में ये जो मिनिमम कंडीशंस है या जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है या लिविंग कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो पुअर लोग हैं कि उनको भी उतना ही इक्वली ट्रीटमेंट मिल पाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं लाइक WHO. ये भी डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर रही हैं जिससे लोग जो पुअर पीपल हैं उनका भी वो पॉवर्टी के ऊपर उठ सके और लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके. सोशल जस्टिस इज अवेलेबल इन अ सोसाइटी वेयर ऑल मैन आर इक्वल एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, मोड ऑफ लिविंग एसेट्रा. फर्स्ट, एबॉलिशन ऑफ डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कलर. हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, या गवर्नमेंट को या फिर जो NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या हम लोग भी ये चीज़ें कर सकते हैं. सबसे पहले तो कास्ट और कलर के बेसिस पे जो डिफरेंसेस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको अबॉलिश करना चाहिए, रोकना चाहिए और ख़त्म करना चाहिए. सेकंड, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द यूज़ ऑफ पब्लिक प्लेसेस. किसी भी पब्लिक प्लेस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पुअर पर्सन किसी गार्डन में, पार्क में या फिर पब्लिक बसेस में, ट्रांसपोर्टेशन में अगर वो जा रहा है, शॉप में जा रहा है, तो हम उसे रोकें. ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंचर्स. इंटरवेंशंस क्या है, इंटरफेरेंस. फ्री मार्केट और स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए. फ्री मार्केट इज़ एन इकॉनमी इन विच डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन द फ्री प्राइस सिस्टम. मार्केट इकॉनमीज कैन रेंज फ्रॉम हाइपोथेटिकल लेजनेस थ्योरी एंड फ्री मार्केट वेरिएंट्स टू रेगुलेटेड मार्केट एंड इंटरवेंशनिस्ट वैरायटी. एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकॉनमी. मार्केट इकॉनमी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिशन विद विल स्टिम्युलेट प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मोटिव. सेकेंड, इट बेनिफिट कंजप्शन हु एंजॉय फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मार्केट इकॉनमी. देयर इज अ चॉइस ऑफ फूड, चॉइस ऑफ क्लोथ, चॉइस ऑफ स्कूल, चॉइस ऑफ स्पोर्ट एंड सो ऑन. इवन सच सर्विसेज एज हेल्थ केयर, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैस सप्लाई एसेट्रा आर बेटर मैनेज्ड व्हेन मैनेज्ड बाय प्राइवेट एजेंसीज. डिसएडवांटेज क्या है, मार्केट इकॉनमी जनरेट्स पॉवर्टी. मार्केट इकॉनमी से पॉवर्टी और भी ज़्यादा जनरेट होगी क्योंकि ये प्राइवेट एजेंसीज के पास होती है. सो फुल्ली कमांड किसका होगा, मार्केट इकॉनमी का होगा. द गवर्नमेंट वॉज क्वाइट जस्टिफाइड इन फॉलोइंग प्री पुअर पॉलिसीज सच एज मिड डे मील स्कीम फॉर स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, वीट एंड राइस थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स. The modern state is a social service state. It makes factory acts the minimum act wages. और कुछ social state services होते हैं जिसमें जैसे कि जो minimum wages act हो, child labor prohibition act हो, ये सारे चीज़ें जो act बनी हैं ये women's और जो child है उनके interest के लिए है या उनके interest को protect करने के लिए है. सो मार्केट इकॉनमी के कुछ एडवांटेजेस भी हैं एंड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो. सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 287. ये आपका NCERT क्वेश्चन है. एंड पेज नंबर 289 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4.
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2।